कि दिस इज हाई टाइम, निर्भया को वे भी 12-13 साल हो गए, अगर उस तरह के एक्ट के बाद भी इस तरह का एक्ट करने की, मतलब आई जस्ट रेड की उसके अंदर करीब 1.5 लीटर से ज़्यादा सीमन उसकी वजाइना में मिला है, तो आप सोच सकते हैं कितना जघन्य तरीके से उसका रेप किया गया होगा। वो लड़की किस तरह से उससे जूझी होगी, डरी होगी, डरी चिल्लाई होगी, चीखी होगी, अपना फ्यूचर, माँ बाप, क्या कुछ सोचा, क्या कुछ देखा, इतनी सब चीज़ों के बीच में सिर्फ रेप और मर्डर नहीं है। कलकत्ता में हुए एक जघन्य अपराध को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। महिला डॉक्टर और उस महिला डॉक्टर के साथ हत्या और रेप का जो मामला है, तमाम देश भर के डॉक्टर सड़कों पर हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है जो दूसरों की जान बचाने के लिए पूरी पूरी रात सेवाएँ देते हैं और ऐसे समय में उस महिला डॉक्टर के साथ जो है इस तरीके की वारदात हो जाती है, इसके लिए कौन आखिरकार जिम्मेदार है। हमारे साथ निकिता चतुर्वेदी जी हैं बेबाकी से, तमाम सोशल इश्यूज़ पर आपने इनको देखा होगा बोलता हुआ, और आज जब ये मुद्दा आया तो सोचा इनसे बात की जाए। मैम, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, पहला जो रिएक्शन होता है जनता का, वो किस तरीके से होना चाहिए और क्या कुछ चल रहा है? देखिए, पहली जो आपकी लाइन थी कि राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है पे मैं एक बात कहूँगी कि जैसे ममता बनर्जी जी का जवाब, वो बयान आया है कि लोग जो हैं इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी ममता जी को, और मैं अनुरोध भी करना चाहूँगी कि राजनीतिक पटल जो होता है ना, आप जब राजनीति में होते हैं तो आपके पास एक ज़्यादा तरीके से एक्सेसिबिलिटी होती है लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए। न्याय है, कानून है, व्यवस्था है, अगर आपके हाथ में है तो आप उसको कितना सुचारू कर सकते हैं, ये गवर्नेंस से होता है। तो इसको ये ना देखें कि कौन उनसे इंसाफ मांग रहा है, ये देखें कि इंसाफ अगर एक बच्ची के लिए चाहिए तो सब राजनीति से बिल्कुल घोड़े की, जैसे घोड़े के आप लगा देते ना कि उसको एक ही दिशा में दिख रहा होता है, उसी तरह से ममता बनर्जी जी को राजनीति और जिस तरह का प्रेशर है उस सबको दरकिनार करते हुए उस बच्ची के लिए जो डॉक्टर थी, उस लड़की के लिए खड़ा होना चाहिए। इंसाफ ये होना चाहिए कि जितने भी कल्प्रिट्स हैं सबके सब अरेस्ट किए जाएँ और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए इनको इंसाफ दिया जाए। और सबसे बड़ी बात कि दिस इज़ हाई टाइम, निर्भया को वे भी 12-13 साल हो गए, अगर उस तरह के एक्ट के बाद भी इस तरह का एक्ट करने की, मतलब आई जस्ट रेड की उसके अंदर करीब 1.5 लीटर से ज़्यादा सीमन उसकी वजाइना में मिला है, तो आप सोच सकते हैं कितना जघन्य तरीके से उसका रेप किया गया होगा। तो अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, आप ये नहीं समझ रहे कि क्रुएलिटी का हद क्या था, वो लड़की किस तरह से उससे जूझी होगी, डरी होगी, डरी चिल्लाई होगी, चीखी होगी, अपना फ्यूचर, माँ बाप, क्या कुछ सोचा, क्या कुछ देखा, इतनी सब चीज़ों के बीच में सिर्फ रेप और मर्डर नहीं है, सिर्फ कल्प्रिट नहीं है, आप इंसाफ कैसा देते हैं? ऐसा इंसाफ दीजिए कि इस बार जो ना, अगर ममता बनर्जी को लोग कहते हैं ना कि बहुत बुलंद महिला है, तो अपना कद और अपना जो उनके बारे में लोग कहते हैं ना, किसी से डरती नहीं है, तो ऐसा जस्टिस दे कि लोगों के लिए लैंडमार्क बन जाए, कि मतलब अगर आपको पब्लिक में उसको कोड़े मारने पड़ रहे हैं, फांसी देनी पड़ रही है, तड़पा तड़पा के मारा पड़ना है, एक एक बाल उखाड़ना है, जो मर्जी का, बिल्कुल याद रखा जाना चाहिए। और आपको उस बच्ची की जो है राजनीति से परे, फिर बोलती हूँ राजनीति से परे, लेकिन राजनीतिक रूप से ही होगा। न्याय व्यवस्था भी बार बार जो है लचर हो जाती है, क्योंकि ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर्स और इन सब चीज़ों के चक्कर में वो चीज़ें दब जाती हैं। तो इसको किसी भी तरह से, मैं बंगाल से नहीं जोड़ती, मैं मुजफ्फरनगर, मैं उन्नाव, कठुआ से नहीं जोड़ती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ बेटियाँ सबकी बेटियाँ ही होती हैं। पर एक सवाल ये भी है कि जब प्रोटेस्ट जस्टिस के लिए प्रोटेस्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, तो वहाँ पर भी हिंसा हो जाती है, तोड़फोड़, वो कौन लोग हैं, कहाँ से? ऐसा है कि जिन्हें राजनीतिक रोटियां सेकनी है, मतलब बंगाल में जो इस टाइम पावर में आना चाह रहा है, कौन लोग हैं ये जो इंसाफ ही नहीं चाहते? मैं इंसाफ की किसका जरूरत है वहाँ पे? जो लोग ऐसे मुद्दों पे भी राजनीति करने पे उतरे हैं, सवाल जवाब अपनी जगह है, इंसाफ मांगना अपनी जगह है, पर ऐसी जगह पे अगर आप हिंसा कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर घुस के तोड़फोड़ हुई और ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि टू मच पॉलिटिक्स इज़ वेरी बैड। पर हैं कौन वो लोग? देखिए, वो लोग वही होते हैं जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं या सत्ता पाना चाहते हैं, इसके बीच में तो कोई वो नहीं है। मेरे घर से कोई नहीं निकल क्या के गया? मतलब कोई साजिश तो नहीं है बदनाम करने के लिए? नहीं, देखिए प्रोटेस्ट को खत्म किया जा रहा है। नहीं, देखिए प्रोटेस्टर का राइट है प्रोटेस्ट करना, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, घर के बाहर मोमबत्ती जला दें, कुछ भी कर दें, लेकिन लोग प्रोटेस्ट करना जानते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि प्रोटेस्टर्स की गलती है, या मैंने ये नहीं कहती कि पुलिस की गलती है,
बीच में जो लोग होते हैं उन्हें चिन्हित करके आपको, अगर आपके कोई भी इस तरह का मुद्दा उठ रहा है तो अस्पताल की सुरक्षा, वो भी तब जब एक लड़की के साथ ऐसी वारदात हो गई, अब आप अभी भी हॉस्पिटल में वो सुरक्षा नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि जो लोग गुस्से में हैं वो कहीं भी जाके, गुस्से में दो तरह के लोग होते हैं, गुस्से में एक वो लोग होते हैं जो जस्टिस मांगते हैं, गुस्से में दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें ये लगता है कि गुस्से को और गुस्से से कवर किया जा सकता है, ठीक है, ताकि बहुत बड़ा कुछ कर दो ताकि लोगों की नज़र पड़ जाए। तो जस्टिस मांगने की जो बात है आप वहीं तक टिके रहिए और आगे ऐसी घटनाएं ना हो। मैं ये नहीं कहती एक को न्याय दे दिया फिर अगले का इंतज़ार कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। ऐसी मतलब व्यवस्था ऐसी बना दीजिए कि करने से पहले लोग सोचें। पर जैसे अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर हॉस्पिटल है, इस पूरी लाइन में हॉस्पिटल कई सारे हैं, तो जो वो वारदात हुई है और क्या किसी को नहीं पता चला, ये जो एक जिम्मेदारी होती है प्रशासन की, जो हॉस्पिटल का स्टाफ होगा, सब कहाँ थे सब लोग? देखिए मैं एक चीज़ जानती हूँ कि अब इसी हॉस्पिटल को देख लीजिए, नीचे से चलो गेटेड है, ऊपर तक वो है, लेकिन ऊपर भी अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, इधर इस हॉस्पिटल में देखिए ऊपर तक वहाँ तक भी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि छतें नहीं दिखती लोगों को, वो नहीं पता होता। लेकिन अगर कोई लगातार कुछ देर के लिए वो है, रास्ता बंद है, दरवाजे बंद हैं, तो ये सिक्योरिटी वालों की ये जिम्मेदारी बनती है। आप इसे उनको भी इसमें पार्टी बनाइए जो सिक्योरिटी के नाम पे आके खड़े तो जाते हैं लेकिन सलाम मार के 10-20 रुपए लेने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन, अगर अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं तो आपको क्यों नहीं पता चला? और हर बार जो है आप सीसीटीवी तभी क्यों देखेंगे जब घटना हो जाएगी? जो सीसीटीवी के सामने बैठा है वो सर्विलांस क्यों नहीं रखता कि एक व्यक्ति वहाँ तक गया है वो वापस नहीं आया है, दूसरा गया है वो वापस नहीं आ रहा है, तो नज़र कौन रखेगा? एक ही जगह पे अगर एक महिला गई हुई है उसके पीछे पीछे 6-7 में इनकी नज़र भी अगर इतने घंटों तक आपको पता नहीं चली तो इसका मतलब है कि आप जो है सिर्फ नौकरी जो है वो यूँ ही कर रहे हैं, कैमरे भी बेकार हैं, फ़ोटो शूट कर लीजिए, जाके फेसबुक पर डाल दीजिए। अगर इतनी ही लोगों को फ़ोटो की वीडियो की ज़रूरत है तो फिर ये सीसीटीवी जैसा नाटक भी नहीं करना चाहिए। प्रशासन को इन चीज़ का संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें एक से सीख लें, हर बार कुछ नया ना सीखें, हर बार किसी बड़ी घटना का इंतज़ार ना करें। सड़क पे हो रहा है, सिर्फ यही नहीं हुआ है, इसके बाद जो है इसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़की अपने घर के अंदर सो रही थी और 12-13 साल की लड़की थी, उसकी मदर और वो और उसकी बहन, तीन लोग अंदर थे, गर्मी थी इसलिए बाप और भाई बाहर सो रहे थे। तीन लोग बाइक पे आते हैं, ज़बरदस्ती हल्ला हुआ, शोर हुआ, उस लड़की को घर से निकाला, उस लड़की को मोटरसाइकिल पे लेके चले गए, ठीक है, उसके बाद उसका भी गैंगरेप है, ठीक है। उसके अलावा सीधी की एक घटना मध्य प्रदेश की वो सामने आई है कि AI से विजिलेंस जो है अपनी आवाज़ को महिलाओं की आवाज़ में कन्वर्ट करके, और लड़कियों के कुछ बच्चियाँ जो आगे पढ़ाई में इंटरेस्टेड थी उनको कॉल्स कर करके लोगों, किसी आदमी ने इस तरह से उन लोगों ने ये ट्रैप किया कि आपका, आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, आप आइए, और मिलने बुलाता रहा, और ये 1 अप्रैल से लेकर 13-14 मई तक चला है। तो इस बीच में करीब 30 से ज़्यादा लड़कियां उसकी शिकार हुई हैं, पर आपस में जैसे अड़ोस पड़ोस में माएँ बात कर लेती ना कि अरे उसका स्कॉलरशिप का फ़ोन आया था, उसको स्कॉलरशिप, तब ये घटना खुल के सामने आई जब एक लड़की सामने आई कि मेरे साथ हुआ था, अब बताओ किस किस के साथ हुआ है, तब फिर वो पुलिस के पास गई हैं। तो आपको क्राइम करने वाला उसके लिए रास्ता 10 है, लेकिन न्याय का रास्ता जो है इस पीढ़ी, इस अगली पीढ़ी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते इतना ध्वस्त हो जाता है कि फिर लोग न्याय मांगना बंद कर देते हैं। और फिर आप ये कहते हैं कि कैंडल मार्च के निकाल रहे हो, कैंडल मार्च इसलिए नहीं निकालता आदमी कि वो आपके, आपकी मोमबत्तियों की सेल बनाना चाहता है, वो सिर्फ इसलिए निकालता है कि सरकार से ये कह सके कि मैं भी गुस्से में हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि उस बच्ची को न्याय मिले, चाहे मेरे घर की बेटी थी या नहीं थी। लेकिन अगर आप न्याय दे सकते हैं और आगे ऐसी घटनाओं को दोबारा दोहराने से रोक सकते हैं तो उसे रोकिए।